सत श्री अकाल जी, मैं सतनाम सिंह पठोई लैके हाजिर हाँ सियासी मसले जिस विच असी गलबात करांगे उन्हां सियासी मामलों ते जिहड़े अक्सर भखे हुंदे ने ते जिन्हां ते गलबात करनी लाजमी हो जाती है। इन्हां सारे मामलों ते गलबात करन लई साडे नाल जुड़े हुए ने कश्मीर सिंह मल्ली जी। मल्ली जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। एक थोड़ा सारा स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्होंने मैं सांझो टीवी के दर्शक रूबरू किया, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। मल्ली साहब, अज ही ड्रग केस मामले की रिपोर्ट सीएम मान को पहुंचिया ने, तो इस पर की लगता होएगी कोई बड़ी कार्रवाई जी? जिस तरह थोड़ा पता है सरनाम जी के ड्रग का मसला काफ़ी देर तक भगया होगा, तकरीबन 2007 तो बाद काफ़ी मगया होगा आ, और बहुत सारे पॉलिटिशियन खिलाफ पुलिस ऑफिसर खिलाफ अलग अलग टाइम पर जोड़े है एलिगेशन लगते रहे हैं, तो जिसके मुतालक पिछले सरकार ने वक् टाइम पर चार या पाँच स्पैशल इन्वेस्टिगेट टीम्स बनाई सगिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जो सुप्रिंटेंडेंट से तो उन्होंने रिपोर्ट है पिछले कोई चार पाँच साल तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के कस्टडी है सबमिट किए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट को, जिड़े कि हूँ पंजाब सरकार जिन्होंने तीन रिपोर्ट जी पंजाब सरकार दी गई हैं, और मैं पूर्ण यकीन है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी जो सरकार बननी सी तो असं लोगों ने वादा किया था कि जोड़ा ड्रग का मसला है जो जो बंद दोषी हो गए असं उन्होंने सजावं देवे। सो मैं पूर्ण आस हैगी कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी इन रिपोर्टों के आधार पर जोड़े भी वो ना हो गए उन्होंने खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके उन्होंने पैर चला के उन्होंने ढोकवे सजाव दिए जाएंगे जी। जी, जेकर गल करिए सर, जे इस मामले ते संजीदगी नाल कार्रवाई हो जाती है तो एक बहुत बड़ी जित जिहड़ी है जिथे आम आदमी पार्टी की होगी उत्थे ही किते ना किते जिहड़े लोगों ने उम्मीदा जताईया सी आम आदमी पार्टी तो वह भी किते ना किते खरियां उतरदियां नज़र आणगियां, किवें देखदे हो जी? बिल्कुल ठीक है थोड़ी गल जी, क्योंकि थोड़ा पता कि पंजाब दी यूथ हैगी आ, नौजवान हैगे आ, वह बहुत सारे ये नशे के गिरफ्त में आ चुके हैगे आ, और बहुत सारे माँ पे है पेरेंट्स है बच्चों के वो इस डर के मारे अपने बच्चों को फॉरन कंट्री भेजे जा रहे हैं, क्योंकि अजक हरेक पेरेंट्स कोई एक या दो बच्चे है और वो नहीं चाहते कि साडा बच्चा भी इस नशे के नशे के गिरफ्त में आए। सो इस गल तो डर के मारे भी जो माँ पे है अपने बच्चे बाहर भेजन जा भेज रहे हैं, तो दूसरी गल ये हैगी कि लोगों को असं पहले विश्वास दवाया कि जो भी कितने इन खिलाफ धोखा मौका होएगा रिपोर्ट आनगियां तो इन खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सो लोगों भी पूर्ण आस हैगी कि ये रिपोर्टा हम ओपन हुई है जिन्हों का ना एक दो दिन के बच्च नष्ट हो जाएंगे निष्ठ हो जाएंगे, तो पूर्ण आस हैगी कि इन लोगों के खिलाफ ट्रायल करके इन्हों धोखी सजा दी जाएगी। लोग इस गल की आस भी रखते हैं सरकार को, और मैंने पूर्ण आस है कि जो सरकार हैगी जी। मल्ली साहब जी, कर गल करिए रिपोर्टा ने जिहड़ियां हाई कोर्ट च भी खुल चुकिया ने, तो उत्थे भी जिहड़े इस विच बड़े अफसर होणगे जां बड़े लीडर होणगे उन्हां दा नाम दे खुलासे हो चुके ने, हुण आप सरकार जिहड़े ये बड़े लीडर होणगे इहदे विच उन्हां ते कोई पर्दा तां नहीं रखेगी जी? नहीं नहीं, इहदे कोई गल नहीं, क्योंकि हजे पब्लिकली जिहड़े हैगे अनाउंस नहीं होए जिहड़े उहदे दोषी पाए गए पाए जाणगे, लेकिन जो हम पंजाब सरकार जी उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करेगी तो वह सारी पब्लिक डोमेन के आ जाने है कि दोषी है वो जिन्हें जिन्हें एलिगेशन लगे है कि ड्रग का धंधा करते रहे हैं जब पंजाब की यूथ बर्बाद करने के इन्होंने हथ है, तो इन्होंने खिलाफ पूरी ढोकमी कार्रवाई होगी, और पंजाब सरकार भी बहुत संजीदा हैगी इस गल कि इन्होंने बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, जेडे जेडे बंदे पाए जाएंगे उन्होंने खिलाफ प्रोपर कार्रवाई होगी जी। जी, जिथे असी बीते दिन ही देखा कि गैस सिलेंडर का बड़े पद्धर से रेट वध्या, इस दौरान जेकर गल करिए बीते दिन ही केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण अपने पिंड गए सन तो उत्थे उन्होंने पिंड दी औरतां ने ही उन्होंने घेर लिया कि गैस दीआं कीमतां क्यों नहीं घट रही, किवें देखते हो इस मामले में जी? थोड़ा पता है कि जब 2014 के बीच लोग सभा की इलेक्शन होनी सी उदो भाजपा ने कहा कि असं गैस सिलेंडर जोड़े है उन्हें कीमत घटावे, और उस टाइम मेरे ख्याल कि 450 रुपया है पर सिलेंडर का रेट, पर जिदा तुम पता ही है कि हौली हौली इस वे रेट है कोई 1150 रेट पहुँच चुका है,
तो जिहड़ा कि आम आदमी की आम रसोई दे पहुंच तो बाहर हैगा आ, सो जिहड़ा प्रदर्शन किया गया हैगा आ उधर तो जायज किया गया हैगा, क्योंकि महंगाई इन्नी ज्यादा वधी जा रही हैगी आ कि आम परिवार वास्ते अपना ढिड भरना भी बहुत औखा होया हैगा। सो वो जिहड़ा प्रदर्शन किया गया हैगा आ सेंट्रल मिनिस्टर खिलाफ और फाइनेंस मिनिस्टर खिलाफ, वो बिल्कुल जायज हैगा, उन्होंने जो मंगा है बिल्कुल जायज हैगी आ। और असं भी चाहते हैं कि जो रेट हैगे आ कटने चाहिए, बदने बजाय कटने चाहिए, ता कि लोगों को कुछ सहूलत मिल सके। जी जी उत्थे जेकर इस मामले नाल गल करां तां ओह एक अपने पिंड च 2024 दीआं विधान लोक सभा चोणां संबंधी कोई स्कीम शुरू करन गए सी, की लगदा है कि महंगाई दे मुद्दे ते केंद्र दे मंत्रियां नूं जां केंद्र दे लीडरां नूं घेरिया जाया करेगा जी चोणां दौरान? देखो जे हुण इक मंत्री पिंड दे विच उस पिंड दी औरतां दे खिलाफ हो गईआं आ तां ते समझो सारे देश दे जे औरतां हैगीआं इस गल ते आ उहनां दी सहमति हैगी उहनां दी, पीए प्रोटेस्ट कीता गया सही कीता गया हैगा आ कि भाजपा नूं इह गल सुटनी चाहीदी हैगी आ कि जिहड़ा इन्ना रेट वधे हैगे आ इन्नी महंगाई वधी हैगी आ उन्होंने जो आम सधारण घरां दे बजट हैगे आ वह बिल्कुल हिल चुके हैगे आ। सो इस करके प्रोटेस्ट किया गया आ, बाकी देश में जिन्नियां भी लेडीज हैगियां आ और खास तौर पर जिहड़े घर च रहिंदियां हैगियां जिहड़ियां अपने घर दे विच रहिंदियां हैगियां उन्होंने प्रोटेस्ट किया गया वह सही हैगा आ। और इस गल का संकेत मिलता हैगा कि आम जिहड़ी पब्लिक हैगी आ वो भाजपा दीआं पॉलिसियां दे खिलाफ हैगी आ। तो मैनू नहीं लगता कि 2024 जी भाजपा है दोबारा पावर च आएगी, क्योंकि जब लोग सारे खिलाफ है महंगाई दे इन्नी महंगाई हो चुकी हैगी आ और कुछ परिवारों जो है सेंटर सरकार हैगी मदद कर रही हैगी आ, जिन्हें वादे किए थे कि अभी कार तारों बाहरों लेके लियावे कि 15-15 लाख रुपया हरेक परिवार के खाते में जमा होगा, वो भी गल टुटी गई हैगी आ। और जो इन उन्होंने वादा ये किया था कि हरेक साल 2 करोड़ जो यूथ हैगी आ वो लोग अगर देवे वो भी गल चुकी निकली आ, बाकी जो सारे वादे किए सारे चुके निकले है। इस करके मैंने पूर्ण आस हैगी आ कि 2024 जो भाजपा हैगी पार नहीं आ सकती। जी जेकर मल्ली साहब देख गल करिए किते ये चोण स्टंट तो नहीं खेडा जाएगा कि चोणा लवे जाके गैस के रेट घटा दिते जान पेट्रोल के रेट घटा दिते जान, क्योंकि अक्सर देखते हैं असं कोई चोण आती है तो अजिही स्ट्रिक जी केंद्र सरकार वालों खेडी जाती है कि रेट पेट्रोल के भी घट जाते हैं तो गैस गैस सिलेंडर के भी घट जाते हैं। देखो भी जो सरकार होंगे है लास्ट मूवमेंट जाके अखीरले साल के अखीरले 2-4 महीनों के आम तौर पर इदा करते है, पर हम लोग जो बहुत समझ गए है उन्होंने पता है कि जो पहले वादे किए भाजपा ने वह पूरे नहीं किए है, जो रेट घटाएंगे लोग उस गल का ओनर थोड़े टाइम लिए फायदा कर होगा लोगों को, लेकिन इलैक्शन होने तो बाद अगर पावर आँदी दोबारा भाजपा तो दोबारा फिर रेट भी बढ़ा देने है। सो लोग इस गल समझते हैं लोग इन गल कारण करके भाजपा के शिकंजे में नहीं आएंगे वो बिल्कुल समझदार है। तो मैनू लगता कि जो रेट घटा भी दिते तो भी लोग वोटा नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों को इस गल का पता लग चुका है कि पोलिटिकल पार्टी इदा कर रही है। जी बीते कल पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करके 3 निजी स्कूलों नोटिस जारी किया जी, की है पूरा मामला तो निजी स्कूलों वालों हाले भी जी मन मर्जी की फीस वसूली जा रही है? दो एक तो नहीं अपने जो है फीसा का मसला है फीसा में बताइए होर, दूजा ये है जो बुक्स लैनिया है बच्चों ने वो पोलिटिकल शॉप रैफर करते हैं स्कूलों वाले कि फलानी दुकान तो ही लैनी है। तीजी गल ये हैगी कि जो वर्दियां है उन्होंने रंग जो है बदलते कि होर लेने पैन वर्दियां लैन पैनिया ता कि खर्चा पे। और इन्होंने गलों के बच्चे जो संबंधित स्कूल है उन्होंने कमीशन वगैरह होंगे है वो पोलिटिकल शॉप से रैफर करते उतों ही लैनिया किताबा फलानी किताब फलाने कपड़े दुकान से यह कपड़ा लेना है। इस करके जो पंजाब सरकार ने वो बहुत वधिया किया है जो 30 स्कूलों नोट भेजा गया है और उन्होंने हदायत दी है कि जो इस तरह थोड़े मनमानी है वो बिल्कुल हो दी जाएगियाँ और जो पंजाब सरकार है इन्होंने लत पाएगी जी। जी अगला मुद्दा मैं साझे करना चाहना है कि फसलों से मीह ने भारी मार की है जी, की सरकार किसानों की भरपाई कर पाएगी जी ज कुछ राहत मिलेगी किसानों? देखो थोड़ा पता पे दो अपने हफ्ता 10 दिन पहले सरकार ने अनाउंस किया कि जिन्हें 75% जो फसल तबाह हुई हैगी उन्होंने अभी 15,000 रुपया पर एकड़ जो मुआवजा देवे और जिसके मुताबिक सरकार ने फौरी गिरदावरियां करने की हदायत दी है क्योंकि हफ्ते 10 दिन के बच्चे रिपोर्टा करो गिरदावरी करने तो बाद और उस तो बाद अनाउंसमेंट होने तो बाद फिर भी दोबारा हम थोड़ा पता भी कल परसों काफ़ी नुकसान होया फसलों द्वारा मीह बहुत पे आया
और मैं पूर्ण आस है जी साढ़े 50 सरकार हैगी सारे नाल खड़ी हैगी गल ठीक है कि 100% जो है मुआवजा नहीं दे सकती पर फिर भी वो तो वो भरवाई करने की कोशिश करेगी कि जिन्ना नुकसान किसी का हो फसलों का वो प्रपोज जी है उन्होंने मुआवजा दिता जाएगा और पहली सरकार जी है उन्हें मुताबिक जो मौजूदा सरकार हैगी मुआवजा देने के वो ज़्यादा बद मुआवजा देने ज़्यादा विश्वास रख दिया गया। सो मैंने पूर्ण आस हैगी कि किसानों के जो फसल नुकसान होया पंजाब सरकार वो वधिया भरवाई करेगी जी। जी बीते दिन ही सिद्धू मूसेवाला के पिता ने जलंधर च रोस प्रदर्शन करन दा ऐलान किया है कि लगता है कि आप नू इस रोस प्रदर्शन का कोई खमियाजा भुगतना पवेगा या जलंधर जिमनी चोण ते इसका कोई असर पवेगा जी? नहीं कोई असर पैण दा गल नहीं उहदा कारण इह हैगा कि जिहड़े पंजाब सरकार ने जिहड़ा चलान हैगा आ उहदा ऑलरेडी कोर्ट दे विच पेश करता हैगा आ उह बाकी दा काम हैगा उहदा कोर्ट दा हैगा ना जिहड़ा सरकार दा काम सरकार ने अपना काम कर दित्ता हैगा आ कोर्ट जो प्रोसैस है टाइम तो लादा लादा इस गल ट्रायल चलने गवाह कराने होंगे है कई कुछ शुद्ध कानून होंगे है तो ये वैसे तो चल गल तो बहुत माड़ी हुई है जो सिद्धू साहब मॉडल हो पर फिर पंजाब सरकार ने वादे मुताबिक जो चलान पेश कर दिता है और हम जो कोर्ट के बस हैगी है कि किन्ने चेर के बाद फैसला करेगी कोर्ट ठीक है ना जी। तो जो फिर प्रोटेस्ट कर रहे दंद ला के वो मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि हम कोर्ट से विश्वास रखना चाहिए है कि ना ही इस गल का कोई जो जिमनी चोण हो जा रही है जलंधर की लोग सभा की वो तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है मैंने नहीं लगता कोई इफेक्ट पड़ेगा ये प्रोटेस्ट करने की बजाय बैटर है कि जो सिद्धू साहब के पिता जी है वो कोर्ट में जाके पैर रहे कारण ताकि उत्तर इंसान मिल सके जी। उत्थे ही बीते कल नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे थे सिद्धू मूसेवाला की हवेली जिथे जाके उन्होंने कानून व्यवस्था से कई सवाल खड़े किए ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਡਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਸਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਤਨੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜੋ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਡਿਊਲੀ ਮੇਨਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸੰਝ ਸੋ ਟੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।